बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम बहन भाइयों की हाल चाल उम्मीद करनी हूं ठीक ठाक हो और अल्लाह पाक का शुक्र है कि सब ठीक ठाक हैं। जिथे रहो उसे मुस्कुराते रहो, साड़ी दुआ हमेशा तुहाडे नाल हैं और अल्लाह पाक खुश तबाद रखे। और आज का वीलॉग अल्लाह पाक नूं याद करके करने आगाज जेड़े मेरे बहन भाई बीमार है अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती देवे और अल्लाह पाक जिन्हां को औलाद नहीं हैगी उन्होंने अल्लाह पाक औलाद देवे, जिन्हां को कारोबार नहीं हैगी अल्लाह पाक उन्होंने कारोबार देवे। और अल्लाह पाक नूं याद करके असीं लगे आए सुबह सुबह बना नाश्ता। असीं अज बनाते पै गए लस्सी क्योंकि असी लिया है दही तो नाल बनाते पे आ गए लस्सी तो नाल जी नूर फातमा हो रही है ना वह पीती है चाह तो कहते मैं चाह दो तो हूँ लस्सी नहीं पीती वह कहते मैं चाह दो तो असी अल लिया लस्सी क्योंकि हूँ गर्मी होंगी फिर सारा दिन काम करना हों फिर चाह पी के सारा दिन काम बड़ा मुश्किल हों पी कि मैं ज़्यादा गर्मी लगती है। मोबाइल खराब हो मदर चाने तू इंशाल्लाह ये आज असीं दी सेटिंग कराई अल्लाह पाक दा शुक्र है कि आज कोई बेहतर हो सी। हाँ जी क्योंकि सासी ने पढ़े बताया नहीं क्योंकि सानू विच कुछ हो गया अंदर तो मसला भी ते सानू नहीं पता हैगा सी क्योंकि असीं पढ़े लिखे तो हां असीं इन्ने ज्यादा पढ़े तो नहीं इंग्लिश इंग्लिश सानू नहीं पढ़नी आंदी इस वास्ते ना हुण जड़ा हैगा ना हुण इंशाल्लाह आज तो वीडियो माशाल्लाह ठीक आवेगी क्योंकि का दो दिन तो वैसे असीं मोबाइल दी वजह तो बड़े परेशान रहे हैं तो आज इंशाल्लाह वीडियो भी ठीक आएगा। कुछ भैन भाइयों ने कमेंट किया भाई अंजम ने भी कि असलम भाई का जरा रिश्त सन दे दौ और भाई अंजम जो साढ़े करीब ही रेंदे साढ़े साहब बन भाई हैं तो साडा असलम फैमिली ब्लॉग चैनल तुम वेख रहे हैं बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जी इस तो अगे तो सारे ब्लॉग ही अच्छे विखावे साड़ी सिर्फ प्रॉब्लम बनी हुई मोबाइल की मोबाइल खराब होने की वजह तो ना थोड़ा चैनल जोड़ा है वो खराब हो गया से तो बहुत शुक्रिया है सारे भैन भाइयों सन बहुत प्यारी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत शुक्र गुजार हाँ अल्लाह पाक के नेक बंद जी इतनी हेल्प कर रहे हैं बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला उन्होंने सब मुश्किल आसान करे मुश्किल आसान करे और अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी देवे सारे भैन भाई ने लस्सी पीनी दे दसो। हाँ जी असि लस्सी बना ली है खालस तो की और साडे पिंड की खट्टी लस्सी चाटी की लस्सी बड़ी मीठी लस्सी आ जाओ इतनी फ्रंट में अल्लाह तो असि ना आज इस वास्ते तो फिर क्योंकि दोपहर में रोटी भी बना लवेंगे तंदूर से कोई चीज और आ बच्चे हम मैं थोड़ी थोड़ी लस्सी देने हाँ जी मैं ना अलग बालनी है चाय वास्ते इस जी चाय पीनी हूँ पी मत चाय पीनी सुबह सुबह जी उस चाय पीनी है वो आप चाय बना रही जी। हाँ जी तो माशाल्लाह नाश्ता सी कर लिया है और जड़ी मारी है ना अल्लाह पाक नूं याद करके असीं लगे अज अपना काम शुरू करन ते इस वास्ते मारिया जड़ी हैगी ना वो मिट्टी रेहड़ी दे विच पांदी पई है भी बाहर समी नूं साड़ देंदी मैं तंदूर वड्डा लई बणाएगा रसलम जी क्या मैं कह रेहड़ी दे विच ना तुसीं कट्ठी साड़ दिओ थोड़ी थोड़ी ढोण नालों ना इकट्ठी साट दिओ हाँ जी तुसीं पहलां ना नाल मौंज बना लईए होर हाँ जी हाँ जी क्योंकि जी सुबह सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह ना मौसम भी ठीक हैगा तो नाल धुप भी इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी क्योंकि धुप तो पहला पहला लिम लेनी फिर धुप मेरे को नहीं इन लमींदियाँ है तो इस वास्ते पैर तो लगती इब्राहिम हाँ जी तो माशाल्लाह मिट्टी लैके चले गए और जेड़ा है ना पिछली मिट्टी ये भी लाख मैंने उसे साठ दिन देना लिम्बी बाद चार के बड़ा तंदूर सुबह सुबह अल्लाह पाक ने याद करके काम ने शुरू हो गया जी मिट्टी लिया के तो मैं इतने दे छी है जी और बेगम साहब जी ना बड़ा तंदूर बना रही है मिट्टी जी मैं रख दी इतने बड़े तंदूर थापियां जी ना एक बार उतरे सीधे होके ना आज देखो जी माशाल्लाह ये जी काफ़ी वड्डा तंदूर होंगे जी होटल वगैरह तो लगता जी उन वास्ते ये थोड़ा जहा मुश्किल लिंबिया जाता है ये जी बिच खड़े होके टोड़े दे उत्ते बस कट्ठिया जो होके बनानी पौंदी थापी जी लानी पैंदी है और इस तरीके नाल ये बनाई दा वड्डा तंदूर
हाँ जी सुबह सुबह फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती दोपहर तो उस टाइम फिर धुप भी नहीं बनया जाता और नार मारिया जी ना मारिया भी माशाला इधरी तंदूरी ने वो भी छोटी डिम रही है। हाँ जी क्योंकि रल मिल के सारा सारी फैमिली असी माशाला आपकी मेहनत करी दी है काम करी दा है अल्लाह पाक का शुक्र है तो अल्लाह पाक बच्चों का रिज़्क देता है जी हम मुकम्मल तैयार हों कलर चेंज हो जाए और जी माड़िया मोटिया वेरा ये भी बंद हो जाए जी इस तरीके साफ हो जाए और खूबसूरती बढ़ जाती है जी तो इन सफाई भी हो जाती है जी। हाँ जी तो माशाल्लाह जड़ा ना तंदूरी में रंग ला ली है जी माशाल्लाह सोहनिया बन गई और मारिया भी एक तंदूरी बना ली है दूसरी जी बनाई खड़ोती है दूसरी माशाल्लाह दी बन गई है एक जी उन्हें मुकम्मल कर ली है और बेगम साहबा जी ना उस वे तंदूर की मुकम्मल तैयारी कर ली जी माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह जड़ा ना खूबसूरत हो गया जी है बन गया तैयार अल्लाह पाक करे तो अंधेरी ना चले क्योंकि हवा नाल फिर सारे कख वगैरह या मिट्टी वगैरह उत्तू जी दूसरी रल जाती है तो मिट्टी आ एक तंदूर की बच गई जी एक बना लेने रल के दोनों मावा दियाँ और मैं माशाल्लाह दूसरी मिट्टी नाल और बना के देना क्योंकि वो एक बंदे तो बनती नहीं दोवें मियाँ बीवी रल के बनानी होंगी है वो जी मुड़ दोवें रल के बनाने एक बार ये तंदूर बना लेंदे जी लिंब के तो उस तो बाद जो ना नाल दा तंदूर भी एक लिंबन गए। हाँ जी तो माशाल्लाह जो तैयार हो गई तंदूरों मुंगर मारन वाला हो गया जी तो मैं कह जी हम सोख गए थोड़ा थोड़ा मुंगर मारने जी मुंगर मार के जी प्लैन करने तंदूर माशाल्लाह हूँ धुप भी वाह लग गई इन्हों तो कुछ बेहतर हो गए तो हम जी मुंगर मारने फिर इस तरीके खड़े हो गए बराबर भी करना पैदा जी नीवा उच्चा हो नीवा उच्चा हो बराबर करना पैदा जी मिट्टी थले उत्ते हो जाती है इस तरीके सारे टोपे मारा के मुंगर घूमे मार लिया जी वो असा चार तंदूर मिस वो दो है छोटिया जी तीन एक है उन्होंने जी मुंगर मार लिया और वे तंदूर में जी बिच बड़ा ही मुश्किल मुंगर मारिया क्योंकि गर्मी बड़ी सी धुप ही बड़ी आए तो इस वास्ते जरा ना मुंगर मार के बराबर किया है क्योंकि दोपहर का टाइम है हूँ जाके 10 मिनट आराम करने फिर एक दफा मारा मुंगर तीन दफा मुंगर मारना पे तो मैं आख्या तू जरा ना उतनी देर मैं जितनी मेरे तो बनती मैं उतनी खरीदना लेकिन एक बंद नहीं होंगी क्योंकि एक दोनों साढ़े तो परत नहीं होंगी है तो एक बंद तू जरा ना इस सिलसिला में ही अच्छा होगा मुंगर वगैरह मैं मारे हाँ मुंगर हो गए मैं खरा के आ जाओ तुम आप रल के जरा ना
अल्लाह ताला बरकत पांदा इस काम विच जिहड़े रल के सलूक ना करीबे ते ओ इस वास्ते नाले ना कल्ले बंदे को मिट्टी नहीं बिंदी इस वास्ते मैं कहा है ते शाम होई खलोती है कोई रोटी रोटी पकानी हैगी है ते चलो मैं चलो पहले मिट्टी को सट लैने ते फिर असीं नाल फिर रोटी सालन पका लेंगे। हाँ जी तो माशाल्लाह ना मिट्टी असीं गोल ही हैगी है पर मिट्टी गो के फिर मैं आ गई हूँ बना लग पी सब्जी ठीक है असीं लगे हाँ पकान आलू ते मटर इस वास्ते मैं ना सब्जी बना रही हाँ तो बना के हूँ तो फिर नाल आटा गुन्ने तो नाल तंदूरी बालने माशाल्लाह सब्जी गई है बाहन तो हूँ ना असं आटा गुन के फिर तंदूरी नाल लाने और ना सब्जी भी हाथ धो के आ गए गए हाँ जी तो माशाल्लाह ना शाम भी हो गई हैगी है तो असं हम सब्जी बनाने तो फिर रोटी का पानी का बंदोबस्त करने है क्योंकि सारा दिन काम कार करके इस टाइम तो बहुत बहुत ज़्यादा लग जाती है क्योंकि वैसे बलाड़ कटना पैंता बहुत ही वजह तो हाँ जी तो और पहना मैं जल समझे अस और अल्लाह पाक खुश रखे अल्लाह पाक जिहड़े अल्लाह पाक दे नेक बंदे हैगे ना अल्लाह पाक उन्हां दीआं जिंदगी करे अल्लाह पाक उन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे काफ़ी से सारे मेरे बहन भरा जो कमेंट करके दसते हैं और अल्लाह पाक किसी के वसीले ना साढ़े तो भी अल्लाह पाक रहमत कर सी और कभी साढ़े हाल भी चेंज हो जाए इन शाला तो सू ना बहुत परेशानी बनती है जगह की जगह भी है धुप भी लगती है कमजोरी साढ़े के अगर वसेल भी हम कंदूरिया अस इस घट गया तंदुरुस्त दे सब परेशानियां दूर करे और अल्लाह पाक जिन्हें कोई बच्चे नहीं है अल्लाह पाक उन्होंने बच्चे देवे जिन्हें कोई कारोबार नहीं है अल्लाह पाक उन्होंने कारोबार देवे अल्लाह पाक तंदुरुस्त दे सारे मेरे भैन भाइयों और जो कमेंट करके अच्छे अच्छे दसते हौसला अफजाई करते हैं अल्लाह पाक उन्होंने भी तंदुरुस्ती दे और माशाल्लाह साड़ी बहुत अच्छी भैन भाई सपोर्ट करते पैन और अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती अल्लाह पाक सब दिन परेशानियां दूर करे और जेडे को मेरे भैन भाई बीमार है ना अल्लाह पाक उन्होंने भी तंदुरुस्ती दे और सानू साड़ी वीडियो लाइक सबसक्राइब जरूर करना साडा बहुत टाइम पूरा किया करो माशाल्लाह साडे सबसक्राइब तो काफ़ी सारे हो गए हैं और इंशाल्लाह पैसे इतने आते हैं तो असं केक भी कटना हैगा है क्योंकि सानू मोबाइल की परेशानी से केक का याद नहीं रहा तो इंशाल्लाह हम केक भी कटांगे जो पैसे सिलाने हाँ जी हूँ तो माशाल्लाह 1400 है मेरा ख्याल 1400 ना 1400 सब्सक्राइबर हो गया साढ़ा 1000 होना बड़ी खुशी हुई है लेकिन साढ़े को गुंजाइश नहीं है कि असी बड़ा भाइयों नु शेयर कर दिया पर सानू ना एक बाजी ने भी कहा सी कि तुसी ना केक नहीं कटिया एक खुशी दे विच सब्सक्राइबरों की खुशी भी सारी दुनिया कट कट लेंदी है सार हो जाए तो कुछ सानू मोबाइल की ज़्यादा परेशानी बन गई तो कुछ ना कि हिम्मत भी नहीं सी हैगी तो इंशाल्लाह जो हम पैसे आए ना असं जरूर केक भी कटांगे तो भैन भाइयों ने शेयर भी करांगे और अल्लाह पाक ना तंदुरुस्त दे तो तुम्हें इन्हें भैन भाइयों साड़ी पूरा आवाज चैम किया करो और साड़ी वीडियो एंड तक वेखी करो सबसक्राइब किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किए करो और आज की वीडियो से भैन भाई को इजाजत चाहते हैं अल्लाह पाक सब तो खुश रहे फिर मिलेंगे सुबह एक अच्छे ब्लॉग के नाल इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक सब तंदुरुस्त दे और आज के ब्लॉग इजाजत चाहते हैं अल्लाह।